नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज वेब स्किल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में YouTube पे YTO स्टूडियो पे एक आज ही के डेट में एक प्रॉब्लम आया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि उस प्रॉब्लम है क्या। देखिए जब आप YTO स्टूडियो को जब आप ओपन करते हैं, YTO स्टूडियो को जब आप ओपन कीजिएगा तो इसमें यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं व्यू डेटा एनालिटिक्स पे। अब इसमें जब जो रियल टाइम पे जो व्यू आया है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिए यहाँ पे टॉप में आ रहा है डेटा इज अंडर रिपोर्टेड फॉर सम डेट्स 20 फरवरी 2024। यानी कि जो आपका डेटा में जो भी व्यू आएगा ना वो अंडर रिपोर्टेड होगा, मतलब रिपोर्टेड होगा। अभी ये YTO स्टूडियो में ये एक्चुअल में ये वर्क आया क्या है, ये एरर है, ठीक है। ये कोई चीज़ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वीडियो को अपलोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये YTO जो YouTube है ना, YouTube इस पर वर्क कर रहा है, एक बग टाइप का एक एरर है जिस पे ये वो वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये आप ही के साथ हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, YTO स्टूडियो को डाउनलोड करके फिर से अपडेट करना है। अपडेट भी कीजिएगा तभी भी नहीं होगा, बिकॉज ये अभी YouTube इस पर वर्क कर रहा है ना, तो इससे घबराना नहीं है। एक से दो दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, YTO स्टूडियो को इंस्टॉल करके, मतलब आपको अपडेट करना है, आपके पास जो पहले से YTO स्टूडियो है उस स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कीजिएगा फिर से अपडेट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिंदास आप वीडियो को अपलोड कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।